कैसे हैं सब जी? खातिनो हजरात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ मैं बट जी और ये के भी आपको वेलकम करते हैं इन सुपर ओवर। आज का सुपर ओवर बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है। क्यों बट जी, आज का एबी डिविलियर्स आने वाले हैं। एडी टू केबी डिविलियर ना बन। आज सुपर ओवर में लगेंगे लंबे लंबे सिक्सर्स। यू मीन छक्के? ओह बिहेव डार्लिंग। केबी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुमने बट जी को छक्का कह दिया। एक मिनट आलम पना, आप वहां से यहाँ यानी कि सुपर ओवर पे कब्जा मंशा बामी लग गए हो। बट जी की कहता जी, सानू मंशा बामी कहता जी, आज की कार्रवाई शुरू की जाए और हमें भी बताया जाए दुष्ट सरनल इस तरह रवैया अख्तियार कर रहे हो जिवें कप्तान अपने इत्तेहादियों नाल करदा है। अपना शो शुरू करते हैं प्लीज। खवातीनो हजरात, हमारे पहले मेहमान आज, क्या बात है, बहुत बड़े स्टार हैं और इनके बारे में सिर्फ मैं यही कहूंगा, इनका इंट्रोडक्शन मैं बल्कि गा के दूंगा, लेकिन उनके साथ आ रही हैं एक हसीनो जबील, कमाल की सियासतदान। लेकिन हमारे पहले मेहमान के लिए मैं सिर्फ कहूंगा, रेडी 1 2 3 पानी का बोल बुला, ओ हो हो पानी का बोल बुला, पानी का बोल बुला, ओ हो हो पानी का बोल बुला, द वन एंड ओनली नबी। और ख्वातीन हज़रात, नबील भाई को ज्वाइन करेंगी एक फैशनिस्टा जो कि मेरा ख्याल है हालात की वजह से पॉलिटिक्स में आ गई हैं। शी इज, इनका ताल्लुक नून लीग के साथ है लेकिन आई एम श्योर किसी फैशन लीग में भी ये जरूर हैं। प्लीज वेलकम बुशरा बट। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि हमारे दौर में टीवी नहीं था लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बुलबुले देखकर सोते थे। हम आपके बहुत बड़े परस्तार हैं। बहुत शुक्रिया। क्या दीवार पे देख के सोते थे? नबील बाबू के तो हम भी बहुत बड़े फैन हैं। हाय हाय, ओपन ही है। अच्छा अनारकली जी, सीमेंट बहुत महंगा हो चुका है, हम दीवार का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। नबील भाई, जाहिरी बात है दुनिया में हाथों हाथ इतने ज्यादा बुलबुले किसी और ने नहीं बेचे जितने आपने बेचे हैं। कितना इरादा है, कब तक और बेचने? यार सच्ची बात यह है कि जब शुरू किया था तो तब तो प्लान नहीं था इतना लंबा बेचने का, लेकिन आपको पता है पापी पेट की खातिर आए हाय बेचने पड़े। बेश बेश। और उस वक्त तक बेचूंगा जब तक ये बिक रहे हैं। एंड ऑब्वियस बात है हमारे साथ बुशरा, आप भी मौजूद हैं। बट साहब मुझे ये बताएं कि नबील साहब के तौर ड्रामे देखती हैं, आपका फेवरेट नबील भाई का ड्रामा कौन सा है? बुलबुले। बुलबुले? ये मेरे पास बुलबुले में भी थे, मेरे पास बुलबुले हो मेरे पास। इन्होंने अगली अपनी फिल्म भी बनाने वाली मैं है। वो उससे मुझे बात याद आ गई कि वो मेरे पास तो हमारे फाजल दोस्त हुमायूं सईद हैं। जी जी। तो जब मैंने बुलबुले शुरू किया तो उसकी बिजनेस की बड़ी माशाल्लाह आदत, तो मुझे कह रहा है उसमें 25 पैसे मेरे भी डाल लें। अच्छा। मैंने कहा कुछ तो छोड़ दे हमारे लिए, कुछ तो छोड़ दे। बट साहब माशाल्लाह ताल्लुक आपका नून लीग से है और नाम है बुशरा, तो आपको पार्टी की तरफ से कभी शोकाज नहीं आया? जी, माय हस्बैंड्स नेम इज इमरान इस बार। है? इमरान? तब तो उन्होंने खत जरूर लहराया होगा। कभी उन्होंने अपने किचन के कंटेनर पे खड़ा होकर कहा मैं बतरना देन लग गया, वो आज करेले पके ने। कभी उन्होंने अपने बिजली का बिल साड़ा और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जरूर यह हुआ होगा। नहीं, मैं आई पर्सनली फील के, बल्कि मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी कहा था जो भी माँ अपने बेटे का नाम इमरान रखती है वो साथ में कंटेनर जरूर दे। बेफिक्र है जी, आजकल तो माशाल्लाह माशाल्लाह कंटेनर जो है वो प्लॉट से ज्यादा महंगे हो गए हैं। जी आजकल तो कंटेनर इस तरह जा रहे हैं कि जैसे गरम गरम जलेबियां जा रही हैं। नबील भाई माशाल्लाह 12 साल हो गए एक ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अब तो वो जिंदगी का हिस्सा हो गया होगा,
माँ जाए सुबह उठे बुलबुला, दोपहर का खाना खाया बुलबुला, उसके बाद काम पे गए बुलबुले, और उसके बाद रात को सोने से पहले भी क्या, मेरा मतलब है कि ये तो अब चलते ही जा रहे हैं। सही बात है, बुलबुले इतना वो हो गया है जिंदगी में। अब लोग ये समझते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है बीइंग एन आर्टिस्ट, जब आप पब्लिक में जाते हैं तो उनको लगता है मैं उनको पब्लिक को जो भी मिले मैं उसको महमूद साहब ट्रीट करूं। और मैं उनको ये बताता हूं, कि भाई मैं इसके बड़े पैसे लेता हूं। आम पब्लिक को महमूद साहब ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ कभी हुआ है कि छोटा बच्चा है ये आपका बड़ा फैन है? मैं फैन नहीं हूँ, ये आपका फैन है? नहीं, अच्छा सच्ची बात है, हमें शुरू में जब बच्चों का पता चलता था 3-4 साल के बच्चे, तो हमें बड़ी उलझन होती थी और हम यही समझते थे कि यार ये खुद तस्वीर खिंचवाना चाह रहा है, बच्चे को आगे कर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि कुछ टाइम के बाद हमें अंदाजा हुआ कि वाकई हमें नहीं समझ आई, क्योंकि सिटकॉम आपको पता है पूरी दुनिया में 2 and a Half Men देख लें, बिग बैंग थ्योरी देख लें, कोई भी देख लें, सब बड़ों के लिए होते हैं, और उसमें थोड़ा सा जूम एनी भी जुमला होता है। बिल्कुल। लेकिन जब हमें ये पता चला कि यार ये बच्चे 3-4 साल के बच्चे देख रहे हैं, तो फिर हमें उसे काम डाउन और करना पड़ गया। अच्छा, और फिर उसको फैमिली एनवायरनमेंट और देनी पड़ी। एक्जेक्टली। और सेकंड ये कि फिर हमें ये आज तक नहीं समझ आई कि 3-3.5 साल के बच्चे को बुलबुले क्या समझ आता है। सर यही तो है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जब एक चीज हिट होनी होती तो सर वो ऐसी हिट होती है कि क्या ही बात है। ओके। और अब कितनी एपिसोड हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 600 एपिसोड। बुशरा साहिबा, आप एम इंग्लिश है और ऊपर से प्रोफेसर भी हैं, इससे पहले के फरंगी यहाँ पर आकर अपनी कंपनियां चलाएं, आप मुझे और राजा रियाज को इंग्लिश में डिविशन पढ़ाएं। अभी काफी अरसा हो गया बिफोर जॉइनिंग पॉलिटिक्स, आई वाज टीचिंग एट लम्स, लेकिन ये कि आपके लिए डेफिनेटली आई टेक टाइम आउट। बाखुदा जिल्ले इलाही खुश हुए हम आज ही जोधा बाई को जिंदान में डालकर आपको डेपुटेशन करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये हमारे बादशाह की जो हरकतें हैं ना, ये आज वाले बादशाह की है, इनको माइंड ना करें। आपको पता है आजकल इस तरह की हरकतों पे ना बड़ी मूवमेंट्स चल जाती हैं। आई समझ? बुशरा जी। जी। आपसे नहीं, उनसे कह रही। So doctors and lawyers are very common in politics, and being a professor and being in this field is very rare. So आप कैसे आई पॉलिटिक्स में? मैं पॉलिटिक्स में तब आई जब पीटीआई ने नारा लगाया कि एजुकेटेड लोग, यूथ को हम प्रमोट करेंगे, उनको पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने तो नारा लगाया और नून लीग ने एक्चुअली जो यूथ है और एजुकेटेड क्लास है उसको अपॉर्चुनिटी दी टू कम एज लेजिस्लेटर्स। और आपको तो पता ही है 60% ऑफ आवर नेशन कंप्राइज ऑफ यूथ। यस। और हमें पॉलिसी मेकिंग जो हमारा पहला काम एज लेजिस्लेटर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चला गया हुआ है, वी आर पॉलिटिशियंस सेकेंड, बट पहला हमारा काम है लेजिस्लेशन का। तो आई थिंक पॉलिसी मेकिंग के अंदर एकेडेमिया का बहुत रोल है। बट साहब, मान लिया कि नून लीग ने ये फॉलो अप किया, लेकिन नून लीग को इतना सुरीला किसने बनाया? अकेले न जाना हमें छोड़ के। वैसे एहतियातन नून लीग के कागजात आप चेक कराएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للشيخ النان بن فنان ولا لا مدل لباكستان ولا المقصد ولا لبيانة ولا الفيلم ولا الأمريكا ولا نام ولا الممولية الشخصية ولا الوفر المقدار للقاربارة ولا الوفر المقدار للتير للقوة ولا المالك للأمتة ولا العمد ولا لبيانة ولا القاربارية الزيني للجسبية آمين یہ کچھ بیچ رہے ہیں میرا خیال ہے نہیں مارا خیال ہے تو ساکی بلکل سمجھ نہیں آئی میں تو ساکولا نا جی تشریح کرنا ستے جی جی ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے ولا نام ولا شناخت لا لخلانه طلع ولا نام ولا شناخت ولا لا عادمه ولا مموليه ولا شخصيه ولا غريبه ولا مسكينه ولا لا واجب ولا زكاه ولا الفطره ولا نام ولا شناخت ولا تشيره ولا مموليه شخصيه ولا دفه ولا دورن
نعمل قريبا ابا ابا جی میں مشہور آدمی میں پوچھ لینا کیوں تسی غصہ او تسی پیسے دل تروڑ چھوڑیا جی ماڑا خدا نا واسطہ اتنا بڑا پروموٹر میں آنے تسی مینوں پہچانن تو انکار کری چھوڑیا عسکری بنسالی کی تسی نہیں پہچانیا بس او نہیں 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 میں تہاڈی گل نہیں کر رہی سی میں ان کی بات کر رہا تھا اے کون ہے او تینوں نہیں پہچان رہا ماما بستی میری کری چھوڑی ہے ولا نام ولا شناخت ہاں ولا الشهرة ولا المقروعة ولا الخبيثة ولا الإنسانة ولا شناخت النام ولا العربية أو ولا الشكبة ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اصل وچ میں تساں کی دسنا جی ماڑا پروموٹر ہے بڑا بڑا آدمی ہے اتنا پیسہ ہے اس کول بٹ صاحب اتنا پیسہ ہے لیکن آج وہ ڈونیٹ صرف حکومت نو کرنا ہے بیٹھو لو جی بٹ صاحب جی جی اصل وچ گل ہے کہ ماڑا ہے انویسٹر اچھا اے آکھنا جی کہ فلم ٹی وی تھیٹر دے نال نال میں ویب سیریز بھی بنا سا لیکن سب تو پہلے میں بلبلے نو عربی وچ کرنا ہے او مثالیہ ولا مشہور الشخصیت ہے ولا عمد الا ما تبل الشوا ولا الخبيث للانسان ولا النعم ولا المتعرف ولا المتعرف ولا العمد ولا الممود ولا الاسمل ولا القراتي للهوره ولا البعد ولا المقام ولا السته ولا مطابقته ولا التعرف ولا البعد محمود اسلم لا 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 ما دسنا جی محمود اسلم کیوں کراسی تعارف میں کروانا لو جی پاپا نبیل جی میں تسا کی دسا ماڑے پروموٹر نے او بڑے انہوں نے کرنا ہے عربی زبان وچ بلبلے کی سیکول بنانا دعا اچھا لیکن انہاں دی شرط ہے کہ محمود اسلم صاحب بھی رول اپنا کرسن تسی بھی اپنا کرسو اے مومو دا رول کرسن ولا نعم انا خلص الانسان ولا نعم انا مومو ہاں میں دسنا جی نبیل پاپا جی اخڑے نے خوبصورت نا واٹس ایپ نمبر مل سے سی نمبر تے مل جائے گا مجھے لگ رہا تھوڑی دیر بعد یہ خود ہی واپس کریں گے یہ خوبصورت کو جان دے ولا نعم انا مشکل ما في على البنسالية جی جی تال 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 جی بابا ولا لا اخوات نہیں 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 یہ گل زیادتی ہے نہیں میں کرنی میں کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے اب چلو کوشش کرنا او اخر نے جی بشرا بٹ صاحبہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بیوٹی ہے میں چاہنا کہ عرب چ بھی ایک نون لیگ دی فرنچائز کھول دیو ہماری انفارمیشن کے مطابق ہوتا ہے پہلی کھلی ہوئی ہے میں سمجھ گیا او کہہ رہے ہیں جی جدوں کو مشکل ٹائم آندا ہے نا اے سارے اوتھے ہی ہوندے نے اے ہن میاں شہباز شریف صاحب او تو ہو کے نہیں آئے ہاں 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 ولا لا لیگی ولا الاحمد ولا قطر ولا دبي ولا الكويت ولا الشارجه ولا الكويت ولا الشارجه ولا كل العرب ولا الامارات ولا البسنديدي ولا الشهره ولا كل المسلمين ولا البسنده اه اوكي او کہہ رہے جی حکومت چاہے پی ٹی آئی دی بنے چاہے پیپل پارٹی دی سانو نون لیگ والے پسند ہے اچھا 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 ولا بنسالیہ ہاں جی بابا ولا كل الاخوة قبط الشنيد ولا المقمله ولا الخلاصه ولا البارتي الشخصيه ولا الدفع الدور النعم الوجود الموجوده ولا السيد ولا الباتشيت النبيله او نا جی نا میں وچلا بندہ میرے بغیر نبیل پاپا کیا نبیل پاپے کی کس بنایا تسا کی پتا ہے کی تسا نے پرا عسکری بنسالی نے میں تسا کی دسا فیصل آباد اچ کے کرنے اسے کیا مائی دی چگی نو ویملے ہلز سمجھ دے اسے جی او ویملے ہلز نہیں بیورلی ہلز ہوتا ہے بل نام لا عقل زین نشین لا مائی دی چگی لا بولا ایک نا احمد میرا خیال ہے کہ عربوں میں بھی ہوتے ہیں کہ مولا خیر رکھے بھاگ لگے رہیں ولا نبيل ولا ريميكا ولا باكستان ولا كل الدراما للسيدي ولا فقاعات کیا کہہ رہے ہیں یہ فقاعت یو نو فقاعت اور پاپا جی آخر نے عربی زبان وچ آخر نے بلبلے کی فقاعت بلبلہ اس نے ریمیک بنا رہے جڑی گل میں تساں نال کیتی ہے اوکے اوکے تے کیا موڈ ہے تساں نال ڈن کریں اچھا میں کہہ رہا ایڈوانس پکڑے ولا فقاعت ال بلبلہ بلبلہ رے بلبلہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ عربی ٹا رہی ہیں اور یہ بٹ صاحب کوئی چنگی گل تے نہیں کسے نو بوجھ لینا اچھا بشرا صاحب تساں بیٹھے ہو میں تساں کی دساں تساں تے ماڑا کتنا قریبی تعلق ہے ہاں جی اے جڑی میں ڈائریکشن دی ڈگری ہے کیڑی جائی تو لئیے کہاں سے کینیڈ کالج ہے تو اور پاگل کینیڈ کالج میں عورتوں کا کالج ہے وہاں تم کیا کر رہے تھے میں اندر کدو جانا میں تے باہر سموسے سمگل کردا سا جی عسکری بن سالی جی پاپا بادشاہ پرویسٹر تو تمہیں مل ہی گیا ہے ہاں جی نبیل کو میرے مقابل کاسٹ کر کے اچھا فلم بناؤ بلبل اعظم اور اس فلم میں ہمیں بھی کاسٹ کریں بلبلے شالمی ابا ہمارا مطلب ہے بلبلے کو ہند آپ اپنے بلبلے یہی روکے خواتین اور حضرات ایک چھوٹے سے بلبلے میرا مطلب ہے چھوٹی سی بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوور یہ دیکھیں نا بٹ جی خان صاحب دی تھوڑی جی لائٹ ہٹی ہے انہوں نے کسی نے بھی لائٹ پسند نہیں آ اچھا یہ بادشاہ سلامت یا لچھا ویچنے والا تو نہیں ہے
बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। बच्चा सियासत में डॉक्टरों की बहुतात हो चुकी, आपका फेवरेट डॉक्टर आजकल कौन सा है? डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा, मेरा मतलब है आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, भाई डॉक्टर शहबाज गिल भी हैं, डॉक्टर मजहर इकबाल भी हैं और डॉक्टर आमिर लियाकत भी हैं। आपके फेवरेट कौन? मेरा ख्याल है कि जो जिस किस्म के सारे डॉक्टर्स आपने बयान कर दिए, मैं चुप ही रहूं तो बेहतर। नहीं, उनका बस चल रहा है वो किसी सियासी हकीम के पास चली जाए। वाला दूल्हा मुसलसल तैयार है। जी जी के आमर लियाकत इतनी शादियां करता है, उन किसी दे भी टेंट लगे उन ते गड्डी आप ही मुड़ जांदी होदी। पूछ लंदा के दूल्हा ते नहीं चाहिदा। खून वाले शादी वाले मीठे वाले चावल है। यार ये कौन सा अरबी है भाई? वो इनके कागजात चेक कराए, ये कहां का अरबी है भाई? आपने कहां से पकड़ा है इसको? उतो उतो चिबुर जी, अभी खास साहब ने शान को इंटरव्यू दिया और उनको वहां की लाइट नहीं पसंद आई। आप बताएं कि मियां साहब, हमजा या मरियम, ये कहां से लाइट करवाते हैं? ये मेरा ख्याल है इंटरव्यू को लाइट लेते हैं। यार मियां साहब बेचारे लाइट कितों करवाने ने, वो तो जदों दे हुकूमत चाहे ने लाइट ठीक करवान टुरे ने बेचारे। पीटीआई वालों का तो प्रोपेगेंडा ही ये था कि उन्होंने हुकूमत सोशल मीडिया पे चलाई और अभी भी उनका फोकस यही है कि लाइटिंग कैसी है और हमने कौन कौन से सोशल मीडिया टूल्स करने हैं। तो इकोनॉमी और सियासत और जो मुल्क है वो इन चीजों पे नहीं चलते। लाइट से ओ यार खुदा का वास्ता भट्ट साहब, इनसे बोले अचानक ना बोला करे, हमारे तरह निकल जाते। बोला ब्रदर है, बोला ना बोला बादशाह, बोला शाही जनरेटर है। भाई आप तो इतने बड़े एक्टर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आप बताएं ये लाइट की तो इंपॉर्टेंस एक्टरों को समझ आती है, ये सियासत में लाइट कहां से आ गई? सर सियासत में तो लाइट की बड़ी जरूरत होती है, जब तक सियासतदान का एक्सप्रेशन नहीं पता चलेगा उस वक्त तक तो बात समझ नहीं आएगी कि ये बात किस एक्सप्रेशन में कर रहा है। आपको पता है ना, क्योंकि मोस्टली वो झूठ बोल रहे होते हैं ना। बेशक ये देखे ना भट्ट जी, खान साहब ने थोड़ी जी लाइट हटी है, उन्होंने किसी ने भी लाइट पसंद नहीं आ। अच्छा ये बादशाह सलामत या लच्छा बेचने वाला तो नहीं है? नबील भाई आपने माशाल्लाह जिस दौर में एक्टिंग शुरू की उस टाइम पे तो पैसे भी बहुत कम मिलते थे, तो ये टशन वगैरह कहाँ से पूरे होते थे? सर पूरे कहाँ होते थे, पकड़ दकड़ करके तेरे कपड़े ले लिए, उसके कपड़े ले लिए, उसके कपड़े ले लिए। वाकई ऐसा ही होता था? अभी तक कोई कपड़े हैं किसी के पड़े हुए यार वापस नहीं कितने में? नहीं अब कहाँ। अच्छा नहीं ऐसे गल दा ना ते स्ट्रगल है भट्ट जी, कभी किसी दे कपड़े ले ले, कभी किसी दे ते जांदे मेरा कोट दे के जाना। भट्ट साहब आप खुद बताएं, इनके मुंह के मुताबिक लगता है ये कोट इनका है। भट्ट साहब वैसे हुसैन के तो वैसे बड़े पॉइंट्स होते हैं, अगर आप देखें तो मरियम बीबी के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज ब्यूटीफुल, इमरान खान साहब को देखे बड़े हैंडसम इंसान है, तो पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है खुश शक्ल होना? मेरा ख्याल है कि एनीवेयर एनी फील्ड दैट यू चूज उसमें आपकी पर्सनालिटी के, आपकी अपीयरेंस के भी मार्क्स होते हैं। जाहिर बात है वो ऑब्वियसली आप एक पब्लिक फिगर हैं, पीपल लुक अप टू यू, तो ये सारी चीजें तो मैटर करती हैं। द वे यू स्पीक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू ड्रेस अप, ये हर मेरे ख्याल से हर फील्ड में इसके पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह पॉलिटिक्स में भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस। नबील भाई जब आप इंडस्ट्री में नए आए थे, सुना था कि आपका एक बड़ा स्ट्रगलिंग हेडक्वार्टर होता था, जहां आपके उस हेडक्वार्टर में बड़े 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 नाम आपके रूममेट्स होते थे। जी जी। तो वहां का कोई किस्से कहानी? वो एक सर उसके लिए पूरा आपको एक सीरीज करनी पड़ेगी। बहुत बहुत नई रिजाज वहाँ आके रुके, एक हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट टैलेंटेड उभरते हुए आर्टिस्ट है नसीम विकी, उस वक्त उभरते हुए थे, अब तो उभर चुके हैं वो। उभर चुके हैं वो बहुत सारे लोग हमारे पास आके रुकते थे। और तो आप किराए लेते थे या अभी मुफ्त? नहीं कुछ से लेता था, जो मुस्तकिल आ गए थे कुछ दे देते थे, जैसे कुछ ने नहीं भी दिया। जो देते थे वो बोल पड़ते थे। क्या मैंने? भाई आप
کیوں اتنے کچے ہو رہے ہیں آپ 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 نسیم وکی تو نہیں ہے والا نعم نسیم وکی نسیم وکی لا اچھا سید المقدمی ہاں وہ انت مسخرہ انت نا مسخرہ ہم نا مسخرہ والا نسیم سے لا ایکٹر والا پرفارمر والا پرفارمر ہمارا ایک دوست ہے نسیم وکی ایک دفعہ وہ کویت گیا اچھا اچھا تو واپس آ کے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا سر وہ بھائی بڑا مزہ آیا انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور پھر وہ میرا ویزا جو تھا اس پہ اس نے پڑھا عربی نے اب وہ کومیڈین کے ویزے پہ گئے تھے اچھا اچھا اس نے پڑھا انت مسخرہ یلا یلا والا ڈائریکٹر والا ڈرنکنگ والا یوم والا سختی والا ہس مسکراہٹ الناصر وہ آخر نے کہ پی جا ایام تلخی کو ہس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا مزہ رکھا ہے سر میں ایک منٹ لی تہاڈا چاٹا کھلیا ہے میں تو کہتا ہوں اس عربی کے کاغذات چیک کرا لیں مجھے لگ رہا ہے یہ مائی دی چوکی دا نکلنا جی مائی دی چوکی مرے وہ مرے بھی کہتا ہے یہ سر پاپا جی 7-8 سال تو بڑا انویسٹر ہے تھوڑی تھوڑی سیکھ گیا نا یار یہ ماری ٹائم یا شیخ اللہ حمل شوخی ہے اور میں کہتا ہوں اگر خدا کی قسم آپ کہیں بیل اوپر سے اٹھ کے آئے گا پکڑنے کے بیل بیل یہ دیکھ سیدھا ہوا پہلی گل تے سٹارٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن فلم نی گل سنو کل ہے کہ جڑا نا ماڑا پاپا انویسٹر او آکھنا کہ ترکی والے نے تے بنائیاں نے جنگی فلماں ہاں ارطغرل کی کہہ تکایا صرف جنگا ہی جنگا بڑا جنگ جوا سا اسی اس نے زندگی نے دوے پہلو ایکسپوز کرنے نے کہ تو سنا موڈے دسو بولا میں ہمال روانہ گیا ارطغرل لا امریکہ خدا دے واسطے انہوں امریکہ بھیجو جے نہ گیا نا تے ایتھے تھاں تھاں جلسے کرنا پڑے گا بولا ادھر فلم میک ہے ہاں بولا جوانی والا واپسی النحمہ ہاں 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 جوانی پھر نہیں آنی دا ریمیک بنانا ویسے گل کتنی چنگی ہے جتنی مرضی تسی کنٹینر نے اپر چڑھ کے ایکسرسائز کرو یا نتھیا گلی نے ٹریکس تے دوڑو اچھا جوانی پھر نہیں آنی تو آپ کے مائنڈ میں کوئی ہیروئن ہے بولا کے بھی بولا خوبصورت لال ماحول لال ہیروئن لال درکار لال فلم بولا لال بعد لال کل رقم بولا لال انویسٹ لال پاکستانی لال فلم لال ہیروئن لال درکار ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہنا میں فلم بڑا سا پیسہ میرا کٹ جڑا پھر میرے کلا تے آنا تسی اکٹھے ہو بولا لال پاکستانی لال فلم لال ویکل لال پنجابی بولا ارطغرل میر جعفر لے یہ تو پھر سیاسی فلم ہو گئی ہاں جی وہی بنانی جی سیاست بھی نال تھوڑی تھوڑی تکانی ہے بھلا تو سا تکو بٹ جی کے دور آئی گیا ہے ارطغرل جیڑا ہے اپنے آپ کی صادق تے امین پورٹرے کرنا ہے لیکن دویا کی کے آخر میر جعفر تے میر صادقہ اے یار کے دورا مزاج نہیں تور کے ہے تسو او بھائی جان آپ نے آج تو کوئی فلم بھی بنائی ہے یا شہریار افریدی کی طرح بغیر ویڈیو کے بڑکے مارتے رہتے ہیں لو بٹ جی تسا بالکل اس ٹائم چیلنج کیتا ہے میں کی کیسا کیتا ہے عسکری بنسالی کی سنو پھر پہلی فلم امراؤ جان ادا سریا بپالی تے پیاسا اے کس بنائی ہے یہ تو حسن طارق صاحب نے بنائی تھی آپ کا جواب درست ہوا یہ واشنگ مشین آپ کے ساتھ جائے گی وہ بادشاہ کو واشنگ مشین کہہ رہے یار خدا کا نام یار وہ بادشاہ بڑا ہے اوے مجھے واشنگ مشین بنایا ہے میں تمہیں پنگٹ پہ وہ تو بھی پٹکے ماروں گا وہ تو بھی پٹکے ماروں گا تمہیں نانی یاد آ جائے گی نعم علی البادشاہ علی تقریبا علی التوائف ہے طبیعتن توائف لو جی بٹ جی پھر اگلی کریئیشن تک وہ پاپے ہونا نہیں کہے ہیں ہاں ریان ڈاٹرز اوے رائنز ڈاٹر ہوا گاڈ فادر تے تری جی جے ان ڈیسنٹ پرپوزل اچھا اے جڑی ترے فلماں نے اے بالکل میں نہیں بنائیاں اے انا امی دے کولو سٹوریاں سنیاں بالکل امی نے کہندے امی کہانی سنا او فلم سنا دندی سی واہ 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 آپ کی عربی درست ہو گئی ہے ولا غلطی ہے غلطی ہے غلطی ہے ولا لا او بھائی یہ کوئی عربی وروی نہیں ہے یہ گھنٹا گھر میں مسواکیں بیچتا ہے میں قسم کھا سکتا ہائے 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 ماڑی امی جان کہا کرتی تھی کوئی بھی فلم چربا نہیں ہے اگر تکا لگ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو بعد چاک دیو ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے یا خط کڈو تے لہرائی چھوڑو ہوا میں اڑتا جائے میرا لال لائٹر ململ دا او ہو بھجی حالات غمگیر سے غمگیر ہو رہے ہیں
इस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? सियाने तो ये कह रहे हैं ये कंपनी भी नहीं चलेगी, आपका क्या कहना है? अहमद, अभी थिंग्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और वही बात है ना कि जाहिरी बात है हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी तो है नहीं, अलायंसेस हैं, जाहिरी बात है हर किसी का अपना प्रेरोगेटिव है, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है, लेकिन ये कि कोशिश पूरी है और ये बात तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमने अभी आके टेक ओवर करके अपनी पार्टी को हमने नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने कहा अवाम का फायदा हो जाए। शहबाज साहब ने पहले भी डिलीवर करके दिखाया और अभी भी उनको जो है जिस तरह की बात हो रही है कि वो दौरों पे जा रहे हैं, उनको पता है कि किस तरह क्या चीज़ करनी है, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। अपनी पार्टी को हमने फॉगो करके हमने कौम की अवाम की बेहतरी के लिए ये मूव मेक किया। और अगर अगर शहबाज साहब से नहीं चली गवर्नमेंट तो आप वाला बादशाह दे देंगे? नबील, हम आपको परफॉर्मेंस का पोर्टफोलियो देना चाह रहे हैं और तुम हमको जलील कर रहे हो। ओ, मैं कह रहा हूँ बादशाह सलामत मिट्टी डाले, दो कप चाय लेके आए, और अनारकली से कहिएगा कि पति जरा गुस्से से डाले। बोला टंगसालिया ये बुलबुला ये रास्ता, ये बुलबुले प्यार के, ये बुलबुला ये चुबारा, यहाँ आना ना दोबारा। क्या बात है, लो जी मैं सारी गल समझ गया, तुसा की भी समझाना। तिरम पे ने ऊठा थे ते स्क्रिप्ट ने माड़े ज़हन च ते फिल्म में वट थे सुनाओ तुसी दसो मैं के नवी क्रिएशन के करा वाला स्टार्टर वाला फिल्म वाला क्रिएशन वाला हिंदुस्तान वाला सरजमीन ओथे रहमान चौक चुकया पाकिस्तान तो रौनकी चौक रौनकी चकया अपना समान चौक समान चकया जंगल दी जाके दरख्त ते फिल्म ला ला ओदा जाके कह यल्ला रहो राजी रहो जिथे रहो परा रहो। बहुत अच्छा, ये नहीं मैं जंगल च फिल्म लावा ते किंग कॉन्ग आके स्क्रीन ही पाड़ जाए। एक मैं भी सुनाता हूँ। नीचे रहने दे यार। मैं भी सुन। बुलबुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। वाह वाह, एक सूफी सॉन्ग। बुलबुला की जाना मैं कौन, बुलबुला की जाना मैं कौन। बाकी भी आप आप देख रहे हैं सुपर ओवर। तो बच्चे कहते ना मामा पापा ऑटोग्राफ दे रहे हैं। ओ, अब कहा ना वो ऑटोग्राफ रहे ना वो साइन रहे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, खवातीन और हज़रात, हम मौजूद हैं नबील भाई के साथ और उनके साथ मौजूद हैं बुशरा भट्ट। और ये कौन है इसका पता करो। खवातीन और हज़रात, अगले सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है कौन कब कहां कैसे। आपको हम लोग बड़ी मजेदार मजेदार तस्वीरें दिखाते हैं और हम लोग अपने मेहमानों से पूछते हैं ये कौन है और कहां है और कैसे है। आइए, पहली तस्वीर हमारी, दो लड़कते हुए नौजवान और एक जो है वो रेड शर्ट में है, दूसरा स्ट्राइप में है। शक्ल से नजर आ रहा है कि स्टाइल पूरा है और जेब में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये कहां की तस्वीर है और आपके एक्सपर्ट शेख राय में ये कौन है? वाला माहौल लोकेशन कॉटन मिल बाकी फैसलाबाद। फैसलाबाद। ओके, दुए लोगों को पूछना बंदा कौन है, मैं तो इंट्रोड्यूस कराया, मिकी तो पता है ना कौन है। अच्छा, कौन है कौन है? ओ नबील पापा यारा बच्चा पत्रिया तू जाना भाई आप है? ये मैं हूं जी, ये ग्रेजुएशन है, हम लोग लाहौर आए हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। ये तस्वीर। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी की। रेड शर्ट पहनने की जरूरत क्यों की? सर ये मैंने एक शर्ट देखी थी एक फ्रेंच डिजाइनर की, तो वो तस्वीर लेके मैं अपने उस्ताद जी टेलर जिनसे कपड़े सिलाता था उनके पास गया था कि मुझे ये कॉपी कर दें। ये उन्होंने मुझे कॉपी करके दी थी। वो अलामत खतरा वाला अलामत न्यू वाला हीरो है। तो ये जो ग्लासेस हैं उसके 10 नंबर है सर। ग्लासेस ये उस वक्त भी हिट थे, मैंने अपने कजन से लिए थे। अच्छा, ये एनक वहां भी लगाई थी, एनक आज भी लगाई है। वो एनक और इस एनक में क्या फर्क है?
वो जो है वो कजन की थी, ये मेरी अपनी। खूबसूरत लग रहे हो नबील पापे, उन्हें दिहाड़े दिए ना जो तुम हाथ वाला एक्सरा बखा के पैसे मंगते हो। हाथ वाला एक्सरा के पकड़े हाथ है तुसा एक्सरे नहीं, नहीं लेकिन ये तो एप्लीकेशन है। ओहो खाते है, खाते है, खाते है। ओ, 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 ओ। मेरे का फैशन तो 10 on 10 है लेकिन ये हाथ में जो है इससे हमें डर लग रहा है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि नौजवान हूँ मांग नहीं सकता। कि जिसका जो दिल करे वो बस मेरी जेब में डाल दे। खवातीन हजरात अगली तस्वीर देखते हैं। अरे वाह 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 खवातीन हजरात, ये मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, ये मैं आपको बता दूं ये हमारे में से ही कौन है। खवातीन हजरात इस तस्वीर को देख के एक ही गाना याद आता है, आई एम अ डिस्को डांसर, हे आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर। ओए बासोए बैठो 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 बासोए, मैं क्या माड़ा माड़ा भी सोच कटो यार। तो नबील भाई ये तस्वीर के पीछे क्या राज है? राज कोई नहीं है यार, एक कजन की शादी की तस्वीर है और उन दोनों ये बड़ा स्टाइल ये जो था ये लॉकेट लॉकेट कह लें इसको, ये कोई वेस्टर्न सी कोई अमेरिकन वेस्टर्न चीज जी जी, ये बड़ा वो मेरे पास भी था ये कॉलेज के जमाने में। अच्छा यहाँ ऐनक गायब है? हाँ यहाँ ऐनक नहीं है, यहाँ मैं बगैर ऐनक की दुनिया को देख यहाँ सही नजर आ रहा था, यहाँ सही नजर आ रहा था। भाई साहब यहाँ कितने फैशन के मार्क्स, ये तो बड़ी विंटेज लुक है और मुझे पीछे जो वो नजर आ रहे हैं वो जो पुराने टेंट्स जी, वो स्टैंड आउट ज्यादा कर रहे, मेरी नजर उन पे ज्यादा जा रही है। अच्छा वो टेंट में जो होते थे वो हर शादी में होते थे। हां जी हां, आई मिस दोस एक्चुअली। आज मैंने समझ आई है कि फैसलाबाद में नून लीग नु क्यों वोट मिलता है। तो आदिल रजात अगली तस्वीर देखते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह, इस तस्वीर के पीछे क्या राज है, ये खुशी के पीछे क्या राज है? ये मेरी बेटी है जी, माशाल्लाह। क्या नाम है जी उनका? फातिमा। फातिमा फातिमा, ये बुलबुले में चांदी भी बनती है अब। अच्छा, तो बड़ी हो गई है वरना बचपन से हमारे पास बच्चे नहीं थे तो हमने अपने बच्चे डाल दिए। जो बेटा है वो प्रोडक्शन बचाने के लिए एक्टिंग भी मैंने बुलबुले में इसीलिए की थी। अच्छा। कि किसी और को पैसे देने से बेहतर है कि मैं खुद कर लूं। बट साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है बाप और बेटी के दरमियान, और ये तस्वीर देख के आपको वो नजर आता है कि चले एज ए प्रोड्यूसर ने तो पैसे बचाए हैं लेकिन वो बाप और बेटी का प्यार नजर आ रहा है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? मेरा ख्याल है जैसे कि आपने कहा कि इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, और मेरे ख्याल से जो एक बच्ची है उसके लिए जो बाप का एक इमेज है ना, वो सारी जिंदगी वो अपने हस्बैंड में भी अपने बेटे में भी उस चीज को ढूंढती रहती है। तो वो कहते हैं ना फादर फिगर, बिल्कुल वो उस चीज को। तो मेरा ख्याल है माशाल्लाह दिस पिक्चर इज अ परफेक्ट सिनेरियो शोइंग द लव दैट अ बॉन्ड दैट अ डॉटर एंड अ हस्बैंड। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तुसा की दसा अपना या शेखा तक यारा, कसम नाल के प्यार है वाकई वालिद अली मोहब्बत है इस बंदे ने अंदर। ए ते बंदा जदों 20 साल दा उदों इहदे च प्यो इहदे सी। दुआ दी रोदा अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताएं माना कि मियां साहब की आंख हर जगह होती है लेकिन ये कैमरे की आंख लेके वो कहां घूम रहे थे? देखिए ये तो मेरा मतलब है कि शौक शौक की बातें और वो जो टाइम और एरा देखा, मतलब बड़े पक्के मुंह के साथ आप कवर कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए मियाँ साहब जो है ही इज अ मैन, ही इज अ वेरी वर्सटाइल पर्सनैलिटी, जैसे गाने का भी बहुत। आप हंस क्यों रही हैं? बिकॉज समटाइम्स यू नो एज इवन एज पॉलिटिशियंस हमें नहीं पता होता कि हर जगह पे कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा था। बिल्कुल। और लेकिन क्योंकि हम उस पार्टी से हैं उस तो हम अपना फर्ज समझते हैं। अच्छा मियाँ साहब ने कैमरा तो पकड़ा हुआ है, लाइट किसने पकड़ी हुई है? इमरान खान। डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ज्यादा पता है कि लाइट के फवायद क्या हैं। लाइट से याद आया, ये देखते हैं। फंक्शन होना चाहिए आज। बाय द वे वो बड़ा जो शान कहता ना इतनी गंदी शान को ऐसा लग रहा था कोई वेटिंग बस रूम के अंदर वो इंटरव्यू किया जा रहा है ना, उसकी तस्वीर अच्छी थी। देखो लाइटिंग जो है ना इज एवरीथिंग, अगर आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है सारा आपका सारा अजीब सी कोई। वाह जी वाह, एक आर्टिस्ट की उन्होंने बात की है, लाइटिंग इज एवरीथिंग, और वाकई एक आर्टिस्ट के लिए लाइटिंग इज एवरीथिंग। ओ यस सर, अपनी घर से लानी पड़ती है लाइट समटाइम्स। के भी क्या करती हैं आप, इतने बड़े हमारे पास स्टार मौजूद हैं, आपने इसे ऑटोग्राफ नहीं लिया? ना बाबा ना,
लास्ट टाइम इन्होंने जिसको ऑटोग्राफ दिया था उसके बदले इन्होंने निकाह नामा पे सिग्नेचर करवा लिए थे। ओहो तो बच्चे कहते ना मामा पापा ऑटोग्राफ दे रहे हैं। ओ अब कहां ना वो ऑटोग्राफ रहे ना वो साइन रहे। चैंपियन तो दौर आ गया। एक जमाना था जब ऑटो और फॉक्सी एक होती। दिनों तक अगली तस्वीर देखते हैं। अरे वाह ये तस्वीर देख के ऑब्वियस ही बात है आपको पता है दोनों भाई माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं अप नॉर्थ में। आप कभी गई हैं पटवे आटा? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है मैं पर्सनली भी कहती हूँ कि जो खूबसूरती पाकिस्तान की है और जो हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है यूथ है उसका रुझान जितना इधर हुआ है उसमें बहुत सा हमारी पार्टी का भी हाथ है। हालांकि कोरोना में लोगों ने 2 साल पाकिस्तान को ही एक्सप्लोर किया है अब नॉर्थ इतना गए कि मरी बंद हो गया सी। इनका अपना मरी में बड़ा बिजनेस है इनका है। हाँ जी सुने होते हो ना बांस से लच्छा ला के बेच दे रहे। बखुदा नबी वो हमारा साइड बिजनेस है। तुसी कितने कितने बिजनेस पाए है इधर साइड वाले चल रहे सामने वाले नहीं चल रहे। बुरी खबर सब्जी वालों ने मुफ्त धनिया देना छोड़ दिया। हाँ हाँ। नबील भाई आपका ताल्लुक फैसलाबाद सुरां दी धरती आपको तो कवाल होना चाहिए था ये अदाकारी कहां से आ गई? सर मेरा एक तो वेट कवालों वाला नहीं था दूसरा ये जब मैं पैदा हुआ मैं बड़ा कमजोर था। अच्छा मेरे कवाले घर वालों को डर ये था कि मैं कवाल की ताली में ना आ जाऊं किसी। रेशम का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है तो जाहिर बात है कभी आमना सामना तो हुआ होगा कभी एम ही स्कूटर ब्रर ब्रर स्कूल के बाहर ले गए ऐ गली के बाहर जाके इस तरह ऐ वो ग्लासेस पाके। नहीं रेशम जो है वो मेरा और रेशम का सीरियल जो है दोनों का स्टार्ट वो एक पहले सीरियल में हम अपोजिट में आए दिन अय्यूब खावर साहब का सीरियल था उसमें हम इकट्ठे थे मेरी हीरोइन थी तो बचपन का प्यार हुआ। ना ना उसका बचपन का हो सकता है। मैं तो चंगा भला वड्डा सी उदों। भाई हसन निसार साहब का भी वहीं से ताल्लुक है दोनों ने नहीं कभी कहा नवीन तुम क्या अदाकार बन गए तुम्हें तो बल्ब इजाद करना चाहिए था। नहीं वो तो सबसे नाराज रहते हैं। उनका क्या कहना है बट जी कभी रेशम की गली में कभी रेशम के स्कूल में ये नबील है कोई रिक्शे वाला नहीं। यार इनको क्यों बिठाया हुआ है आपने? इनकी ऊपर से पर्ची आई है। बट जी फैसलाबाद की हमें 200 गाते बहुत पसंद है एक लट्ठा और दूसरे नबी। नबील तो आ गए बस 14 गज लट्ठे का इंतजार है। ना करी तुम्हें कुछ हो आलमपना हम आपकी बात कर रहे हैं। लट्ठा वैसे आर्डर किया है अनारकली उस संकल्प शरफ लग रही है तुसी बाकी तैयारियां करो मुश्कपुर कड़ा फटा मंगवा के रखो। मैं तो कहता हूँ दही लगा के कहो के आगे डाल देते। खवातीन और हज़रात अपना ख्याल रखिएगा आपसे फिर से मुलाकात होगी देखते रहिएगा सुपर ओवर।